हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी जो कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल रहे हैं इस लाइफ टाइम में, क्योंकि आप डिटैचमेंट में जितना आपने उनको टाइम दिया है वो भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को समझ रहे हैं, बड़ी सारी इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं जो अब तक वो इल्यूजन क्रिएट करके बैठे थे खुद से ही। कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी और दूसरी चीज़ों में व्यस्त रहना और आपको बिजी शो कर देना और कहीं ना कहीं आपके साथ आपके मतलब कि नेगेटिव सोचना आपके बारे में। लेकिन हाँ, वो भी कि एक पैटर्न था जिसकी वजह से उन्हें बोला जाता है या करवाया जाता है वो डिवाइन की मर्जी से ही, और स्टोरी क्रिएट और पास्ट कर्मा की वजह से सब डील हो हील हो रहा होता है। तो अब आपके पार्टनर हील हो रहे हैं तो धीरे धीरे वो पास्ट के जितने भी ट्रामास हैं वो सबको ऊपर अच्छे से काम करते हुए उन चीज़ों से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो पास्ट में हुए हुए जो भी चीज़ें थी उनसे अभी खुद से ही डिटैच करना शुरू हो चुके हैं। मतलब वो चाहे नेगेटिविटी हो, चाहे लोग हो या कोई भी हो, सबसे डिटैच होते हुए खुद से ही उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है कि नहीं, मुझे अब इन चीज़ों में नहीं फंसना है क्योंकि पहले ही बड़े सारे इल्यूजन में फंस चुका हूँ जिसकी वजह से मैंने अपने पार्टनर के ऊपर जो ट्रस्ट ना करके उससे भी बड़ी गलती की है। आज वो इस चीज़ को सब समझते हुए खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, अपना माइंडसेट करने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं आपका जो इंट्यूशन पावर है, ठीक है जी, इंट्यूशन पावर का हो ये सब कॉन्सेंट बहुत ही अच्छे से वर्कआउट आपके पार्टनर का और आपका, तो हो सकता है अभी थोड़े आपके ऊपर माइंड के ऊपर जोर पड़ रहा है क्योंकि वो बहुत से सारे जो ओवरथिंक और क्रिएशन जो कर रहे हैं, माइंड सेट जो कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको हेडक और भारीपन, आंखों में भारीपन हो सकता है क्योंकि वहीं पे सारा क्रिएशन जो होता है ना, हम लोग कुछ भी थॉट क्रिएट करते हैं, चाहे आपका डीएम हो चाहे आप हो, तो दो सोल जो एक ही सोल का काम जो भी दो बॉडी के ऊपर पड़ रहा है, समझो ना, तो उस वजह से आपको बर्डन डबल हो जाता है। इस वजह से ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है जी। हर तरीके से वो हर इस जर्नी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, अपनी वॉइस इनर वॉइस की बातें सुन रहे हैं, इनर वॉइस उनको गाइड कर रहा है। कहीं ना कहीं वो सब चाहते हैं आपके साथ कि मैं आगे बढ़ूं, आपके साथ फ्रेंड जोन में आऊं या आपके साथ फ्रेंड बन के आपके साथ हर बात अपनी सीक्रेट जो भी होता है, क्योंकि जब तक हम फ्रेंड जोन में नहीं आते ना तो हम अपनी बात नहीं कह पाते हैं। तो आपका पार्टनर जो है वो लव तो करता है लेकिन उससे पहले वो एक फ्रेंड जोन में आके अपनी सारी बात शेयर करना चाहता है जो अब तक वो कुछ हो सकता है कुछ हिडन हो जो अभी तक आपसे ना बताई गई हो, तो वो कुछ इस चीज़ों के तरीके के प्लान करता हुआ नज़र आ रहा है कि मैं आपसे सारी बातें शेयर करूं अपनी लाइफ के रिगार्डिंग, ठीक है, क्योंकि अब उन्होंने बहुत कुछ लेसन ले लिया है और कुछ वो अपने बताना चाहते हैं आपको, तो उनकी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है, ठीक है जी, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और कभी भी आपके पास कॉल मैसेज आने के चांसेस हैं। और इससे बड़ी गुड न्यूज़ तो मेरे पास बहुत आ रही है लेकिन मैं 16 को डिस्क्लोज करूँगी क्योंकि ये पोर्टल जो भी आने वाला है मैं इस बारे में आपको थोड़ा सा मैं क्लियरिटी देना चाहूँगी। जिनको 737 ये आपको अगर एंजल नंबर बार बार कनेक्ट कर रहा हो, जिनको भी, चाहे मेरे सब्सक्राइबर हो चाहे अनसब्सक्राइबर, और अचानक से आपके सामने ये वीडियो पॉपअप हो चुकी है तो ध्यान से सुन लें, 737 जिनको भी ये नंबर कनेक्ट लगेगा उनके पार्टनर का परमानेंट यूनियन होने वाला है। फिर से बोल रिपीट कर रही हूँ, 737 एंजल नंबर जिनको भी कनेक्ट कर रहा है और जिन्होंने अभी तक पोर्टल नहीं बुक करवाया है वो जल्दी से बुक कराएं, आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो कि आपके हो सकता है ये परमानेंट यूनियन में ही आपका इसी पोर्टल में आपका यूनियन तय हो। ये नंबर जिनको भी कनेक्ट होगा वो नंबर का परमानेंट यूनियन तय है, आपके जो रियल शिवाजी हैं वो बैक आ रहे हैं। अगर वो कुछ भी करके गए थे तो वो बैक आ रहे हैं। जिन्होंने पोर्टल नहीं बुक करवाया है वो जल्दी से बुक करवाएं क्योंकि इस पोर्टल में बहुत डिफरेंट टाइप के मिरेकल्स होने वाले हैं, वो मैं आपको नहीं बता सकती लेकिन बहुत कुछ होने वाला है। ये इंडिकेशन मैंने आपको दे दिया है कि आपके शिवाजी वापस आ रहे हैं। 737 एंजल नंबर जिसको भी कनेक्ट हो रहा हो वो कान खोल के सुन ले, जहाँ से भी हो ध्यान देना, सब्सक्राइबर हो अनसब्सक्राइबर हो कोई बात नहीं, लेकिन अब तक अगर ये वीडियो पॉपअप हो रही है तो इसको ध्यान के अपना पोर्टल जरूर बुक करवाएं, या आप शायद ये पोर्टल आपके लिए भी हो, ठीक है जी। और जिनके साथ नहीं भी होता उनका तो परमानेंट ये परमानेंट यूनियन फिक्स होगा ही होगा, ठीक है। तो अब तक की ये थी करंट एनर्जी और ये डिवाइनली गाइडेड मैसेज
जो कि आपको मैंने बता दिया है, जिनको भी मैं एंजल नंबर डाल दूंगी, ठीक है, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। और अभी आपके करंट सिचुएशन एनर्जी मैंने डाल दी है, और जल्दी से बुकिंग कराएं, लास्ट डेट कल तक की है, शाम से ये 8 बजे से पहले पहले मुझे बुकिंग जिनको करवानी हो वो करवा सकता है। तब तक की थी करंट एनर्जी, फिर मिलती हूँ अपडेट के साथ, एक सॉन्ग डालूंगी, रिलेट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।